में धमाकों की दूसरी सीरीज में वॉकी टॉकी, लैपटॉप, फोन, सोलर पैनल सिस्टम, फिंगरप्रिंट रीडिंग मशीन और रेडियो समेत कई डिवाइसेस ब्लास्ट हुए हैं। इस घटना में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटना लेबनान में हाल ही के दिनों में हुई दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है। लेबनान में धमाकों का सेकेंड राउंड, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, फोन में ब्लास्ट, सोलर पैनल सिस्टम, फिंगरप्रिंट रीडिंग मशीन में ब्लास्ट, रेडियो समेत कई डिवाइसेस ब्लास्ट। लेबनान में दहशत का माहौल है क्योंकि पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी, लैपटॉप, फोन, सोलर पैनल सिस्टम, फिंगरप्रिंट रीडिंग मशीन और रेडियो में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 450 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह के कमांडरों के हाथों में ये डिवाइसेस थे जब धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इन डिवाइसेस को 5 महीने पहले ही खरीदा था। इस घटना के अलावा 17 सितंबर को लेबनान और सीरिया में पेजर ब्लास्ट हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह ने इसके लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक लेबनान से 95 लोगों को इलाज के लिए ईरान भेजा गया है। वहीं लेबनान में हाल के डिवाइस इस विस्फोटों में घायल हुए 95 लोगों को आगे के उपचार के लिए ईरान भेजा गया है। जैसा कि स्थानीय रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि ये विस्फोट पेजर और वॉकी टॉकी में हुए थे जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इस बीच लेबनान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इसराइली सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के लॉन्चर और दक्षिणी लेबनान में कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया है। इसराइली सेना ने हल्टा, कफरकेला, ओडेसे और चामा के क्षेत्रों में हमले किए हैं।